लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके पास शिक्षा से लेकर के पर्यावरण, महिलाओं के लिए शौचालय। उम्मीद कोई है ही नहीं टक्कर, किसी के पास न योजना है, सबके पास योजना जो था वो लूट खसोट का योजना था। सिलेक्शन नहीं है, इस पर इलेक्शन है, लोगों के पास जाना होगा। ये कोई सेटिंग गेटिंग करके आप मेयर नहीं बन सकते इसमें। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के शिवपुरी मोहल्ला में, वार्ड संख्या 7 आता, और मेरे पीछे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विनीता बिट्टू सिंह जो है वो लगातार पद यात्रा कर रही हैं। कल की भी तस्वीरें हमने दिखाई थी, आज सुबह से ही चाहे दिन हो या शाम, तमाम जो समय है वो जनता के बीच बिता रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। और देखिए तस्वीरें किस तरीके से जो तमाम जनता है उनसे खुद मुलाकात कर रही हैं विनीता बिट्टू सिंह। जिस तरीके से लगातार उन्होंने पहले भी कहा था कि जो मुद्दे होंगे वो क्या होंगे, हालांकि देखिए किस तरीके से लोगों से मुलाकात हो रही है। जो लोग हैं, जो सहयोगी हैं, वो यहाँ नज़र आ रहे हैं, उनसे खुद बात करने की कोशिश करेंगे। और देखिए किस तरीके से तमाम लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं मैडम। लगातार जनसंपर्क चल रहा है, पदयात्रा चल रही है पटना सिटी, फिर अब खुद शिवपुरी, क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है? माहौल तो बहुत ही अच्छा है, लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है जी। और आ रही हैं लगातार, सड़कों पे भी आप जा रही हैं, लोगों से ही मिल रही हैं, क्या परेशानी मिल रही है लोगों की, जिसको देख के लग रहा है कि ये चीज़ें बदलनी बहुत ज़रूरी है? लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके पास शिक्षा से लेकर के कूड़ा कचरा, चिकित्सा, स्कूल पढ़ाई, पर्यावरण, महिलाओं के लिए शौचालय, तो वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण, ये सारी सफाई कर्मी जो हैं उनके भी बहुत सारी परेशानियां हैं। और नगर निगम के अंतर्गत आने वाली जो सड़कें हैं, नाले हैं, उन सभी की बहुत सारी परेशानियां। तस्वीरें आप यात्रा भी कर रही हैं, रोड की भी तस्वीरें देख रही हैं, किस तरीके का हालात है, क्या लग रहा है, इन चीज़ों को बदलना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तभी तो विकास कर सकते हैं, चहुमुखी विकास की हम बात करते हैं, और जब इन सारे पहलुओं पर नहीं काम किया जाएगा तो हमारा शहर किस तरह से विकास करेगा। तो इन सब चीज़ों पर कार्य करना अति आवश्यक है, सड़कों पर भी कार्य करना अति आवश्यक है। बिट्टू सिंह भी हमारे साथ, आप खुद लगातार पद यात्रा कर रहे हैं, चाहे सुबह हो, शाम हो, शाम भी हो गई है, अब ठंड का भी मौसम है, लेकिन फिर भी पद यात्रा चल रही है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? उम्मीद कोई है ही नहीं टक्कर में जी। कोई अगर आप को दिखे तो आप बताइए, किसी के पास न योजना है, सबके पास योजना जो था वो लूट खसोट का योजना था। देखिए चूंकि सिलेक्शन नहीं है, इस बार इलेक्शन है, आप देखिएगा कि इलेक्शन में लोगों के पास जाना होगा। ये कोई सेटिंग गेटिंग करके आप मेयर नहीं बन सकते हैं इसमें, और इसमें हमारा मानना है कि हम लोग लोगों के पास लगातार जाने का काम किए हैं, कभी बैठे नहीं। उच्च न्यायालय के द्वारा भी रोक लगा, कुछ दिनों के लिए स्थगित हुआ, तो भी हम लोग बैठे नहीं, बैठे कहीं नहीं, लगातार पदयात्रा चल रही है। क्या लग रहा है कि अगर उम्मीदवार जीतते हैं तो क्या कुछ मेन मुद्दा होगा? सड़कों की आपने बात कर ली, मैडम ने भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देर रात लोग डर जाते हैं बाहर निकलने से, क्या इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रहेगा? देखिए वो तो रहेगा, ये तो जो भी आपको काम दिख रहा है वो मुख्यमंत्री के साथ निश्चय का ये काम आपको दिख रहा है जी। और हम लोगों का मानना है कि जो वेलनेस सेंटर वार्ड क्लिनिक खुलना चाहिए वो 75 के 75 वार्ड में वार्ड क्लिनिक खुलना चाहिए, काफ़ी फायदा होगा उससे, हमारी महिलाओं को भी फायदा होगा, जो शिशु हैं उनको भी फायदा होगा। और ये सब चीज़ 228 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन आप देखिए कि एक भी वेलनेस सेंटर खुलने का काम नहीं हुआ। उसी तरह से आप अगर देखेंगे कि ये एक दो कम्युनिटी हॉल छोड़ के एक भी अच्छा कम्युनिटी हॉल नगर निगम के द्वारा नहीं दिया गया है। हम लोग चाहेंगे कि कम्युनिटी हॉल बने, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी हॉल बने, और कचरा का जो निष्पादन जो बैरिया में जिस तरह से उसका ये हुआ है उसका हम लोग व्यवस्थित करें। ये सब छोटा छोटा प्रयास से नगर स्मार्ट सिटी के तहत 75 वार्ड है, युवाओं को पढ़ने के लिए 75 के 75 वार्ड में अच्छा ये लाइब्रेरी होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, भी महत्वपूर्ण है, एकदम ज़रूरी है।
उसी तरह से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है पटना में, जो स्मार्ट सिटी के तहत हम लोग कर सकते थे, लेकिन चूंकि हुआ नहीं। लेकिन हम लोग इस बार आएंगे तो हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि ये सब जितना योजना कहे हैं वो सारा का सारा धरातल पर उतार दें, ऐसा प्रयास रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये तस्वीरें हैं और ये जनसंपर्क जो है वो लगातार चल रहा है, और साफ यही है जो मेन मुद्दे हैं वो साफ़ हो चुके हैं कि शिक्षा है बिहार में, जिस तरीके से बेरोजगारी है, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो विनीता बिट्टू सिंह हैं, और बिट्टू सिंह लगातार सड़कों पर हैं, पदयात्रा चल रही है। अब देखना है जब नतीजे आते हैं तो क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।